भारतीय अंडरवियर कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक उनके ग्राहकों की संख्या बढ़ी है और उन्होंने अपने स्टॉक की बेहतर व्यवस्था की है, जिससे बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। अंडरवियर की बढ़ती हुई बिक्री अच्छी खबर मानी जाती है और इसका मतलब ये होता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। अब गिरावट का वो दौर खत्म हो चुका है और अब लोग दनादन अंडरवियर खरीद रहे हैं, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है। कच्छा यानी अंडरवियर हम सब पहनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंडरवियर का अर्थव्यवस्था से क्या रिश्ता है और कैसे ये भारत के लिए एक अच्छी खबर लेके आया है, ये मैं आपको बताता हूँ। उदय इंडिया स्वागत है आपका, मैं हूँ अंशुमान आनंद। हमारे देश में फिलहाल बरसात का मौसम चल रहा है और इस नमी वाले मौसम में पुरुषों के अंडरवियर की बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है। अब आप कहेंगे कि ये पत्रकार होके अंडरवियर की बात क्यों कर रहा है, वो भी कैमरे पे? तो वो इसलिए क्योंकि अंडरवियर की बिक्री का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से सीधा रिश्ता होता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानक यानी स्टैंडर्ड है। किसी भी देश में अंडरवियर की बढ़ती हुई बिक्री अच्छी खबर मानी जाती है और इसका मतलब ये होता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि इकोनॉमी मजबूत होती है तो लोग ऐसी चीज़ों पर भी पैसा खर्च करते हैं जिसे वो अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते हैं या फिर जिसके बिना भी काम चल जाता हो। पुरुषों का अंडरवियर भी इसी श्रेणी में आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ये आकलन है अमेरिकी बैंक फेडरल रिजर्व के पूर्व चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन का, जो कि 1987 से लेकर 2006 तक यानी पूरे 19 साल तक अमेरिका के इस केंद्रीय बैंक के चेयरमैन रहे हैं और उनका शुमार अर्थव्यवस्था के बड़े जानकारों में होता है। उन्होंने इसे मेंस अंडरवियर इंडेक्स यानी MUI का नाम दिया था। तो भैया ये अंडरवियर इंडेक्स मेरे दिमाग की उपज नहीं है बल्कि ये ग्रीनस्पैन साहब का आविष्कार है। और अब वापस रुख करते हैं अपने प्यारे देश भारत की तरफ। तो भारत में अंडरवियर बनाने वाली प्रमुख कंपनियां जैसे रूपा, जॉकी, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, अरविंद फैशंस जैसी कंपनियों ने अपने सालाना आंकड़े जारी किए हैं, जिनसे पता चलता है कि भारत में अंडरवियर की बिक्री में बहुत तेजी आई है। जबकि एक साल पहले इन्हीं कंपनियों ने दावा किया था कि उनकी सेल्स में कोरोना जो महामारी आई थी उसके बाद से लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन अब गिरावट का वो दौर खत्म हो चुका है और अब लोग दनादन अंडरवियर खरीद रहे हैं, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है और ये इसी तरह चलती भी रहेगी। इसके पहले महंगाई दर में कमी और मानसून की अच्छी बारिश तो पहले ही भारत की अच्छी आर्थिक वृद्धि पर मुहर लगा चुकी थी और अब अंडरवियर के सेल के रोचक इंडिकेटर ने भी यही इशारा किया है कि अंडरवियर के सेल में इजाफा अच्छी इकॉनमी का संकेत है। दरअसल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जब मंदी की तरफ बढ़ने लगती है तो लोग अपनी ज़रूरतों में कटौती करने लगते हैं और ये कटौती सबसे पहले अंडरवियर जैसी चीज़ों पर होती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा छुपी होती है। इसीलिए अगर अंडरवियर की हालत ज़्यादा ख़राब भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगती है तो लोगों की जेब में पैसा पर्याप्त आने लगता है और इसीलिए जब मौका मिलता है तो लोग अंडरवियर जैसी सो कॉल्ड तथाकथित गैर ज़रूरी चीज़ों पर भी खरीदारी फिर शुरू कर देते हैं। भारतीय अंडरवियर कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक उनके ग्राहकों की संख्या बढ़ी है और उन्होंने अपने स्टॉक की बेहतर व्यवस्था की है, जिससे बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। लोग कपड़ों और एक्सेसरीज पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ने से भी अंडरवियर कंपनियों को फायदा पहुँच रहा है। पिछले कुछ सालों से कोविड महामारी की वजह से कपड़ों की बिक्री में मंदी आई थी और कंपनियों के पास उनके गोदाम में ज़्यादा स्टॉक जमा हो गया था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अरविंद फैशन की इनरवियर कैटेगरी में टोटल सेल डबल डिजिट में बढ़ी है, जबकि रूपा ने कहा है कि अप्रैल जून की अवधि में उनके राजस्व में 8% की वृद्धि हुई है, जबकि वॉल्यूम वृद्धि 9% थी। लक्स इंडस्ट्रीज ने भी पिछली तिमाही में वॉल्यूम और राजस्व में 9% की बढ़ोतरी दर्ज की है। VIP क्लॉथिंग ने बताया है कि सितंबर तिमाही में उनका राजस्व 15-20% बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस बीच ये खुशखबरी दी है कि जुलाई में महंगाई दर घटकर 3.54% हो गई है और इस साल मानसून भी अच्छा रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिल रही है। RBI ने वित्त वर्ष 2025 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। तो ये संकेत बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और आने वाले वक्त में अंडरवियर की सेल और बढ़ने की उम्मीद है। तो फिर आप किस सोच में डूबे हैं, इस मौके का फायदा उठाइए और खरीद लीजिए अपने लिए भी इनरवियर। अरे अरे, मुझे ध्यान आया कि मुझे भी ये खरीदना है, मैं तो चला खरीदने अपने लिए अंडरवियर। नमस्कार।